नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है ठंडी रोटियों का स्वाद। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। अनुज सुबह मीठी नींद में सोया हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने उबासी लेते हुए मोबाइल उठाया तो उसने देखा कि उसके दोस्त विपिन का फोन था। फोन उठाते ही विपिन बोल पड़ा, यार आज मुझे कंपनी में 2 घंटे और रुकना पड़ेगा, आज मैं समय से घर नहीं आ पाऊंगा। अनुज उबासी लेते हुए बोला, ठीक है यार, मैं खाना बनाकर ऑफिस चला जाता हूँ। अनुज झटपट उठा और फ्रेश होकर रसोई में घुस गया। अनुज और विपिन दोनों एक किराए के फ्लैट में साथ रहते थे। चूंकि दोनों ही अविवाहित थे इसलिए साथ में दोनों का गुजारा हो जा रहा था। वैसे भी बड़े शहरों में लड़के जब अपना घर छोड़कर काम करने के लिए जाते हैं तो 4 पैसे बचाने के लिए ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैट का किराया शेयर कर लेते हैं, ताकि वो कुछ पैसे बचा भी सके। अनुज और विपिन भी ऐसे ही एक साथ मिलकर रहते थे, वो घर के काम भी मिल बांट कर कर लिया करते थे। आज विपिन नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने गया था और सुबह आने वाला था, लेकिन अभी अभी उसने फोन करके कहा था कि वह देर से आने वाला है, इसलिए अनुज खुद ही रसोई में चला गया और नाश्ते और लंच की तैयारी करने लगा। क्योंकि वह टिफिन लेकर ऑफिस जाता था इसलिए खाना एक बार में ही बनाना पड़ता था। अनुज ने जल्दी जल्दी दाल चावल आलू की भुजिया बनाई और टिफिन के लिए रोटी और मसालेदार सूखे परवल बनाए। जल्दी जल्दी उसने दाल चावल और आलू की भुजिया एक थाली में निकाली और तैयार होकर खाना खाकर टिफिन पैक करके ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में जब लंच टाइम हुआ, अपना टिफिन लेकर वो कैंटीन में चला गया। अपने सभी सहकर्मियों के साथ उसने अपना टिफिन खोला। टिफिन में रखी हुई ठंडी रोटी खाते ही उसे माँ के हाथों की गर्म रोटियों के स्वाद की याद सताने लगी। दिल्ली आने के बाद से सुबह का नाश्ता और रात का डिनर तो उसे गर्मा गर्म मिल जाता था, लेकिन लंच में ठंडी रोटियां उसकी भूख कम कर देती थी। वो अनमने ढंग से सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा लेता था। वो लगभग रोज ही लंच के समय अपनी माँ के हाथों के गर्म और स्वादिष्ट खाने को याद करता था। कैसे जब भी वो स्कूल से या कॉलेज से वापस आता था तो उसे लंच के समय एकदम गर्मा गर्म रोटी ही चाहिए होती थी। अगर उसकी माँ 10 मिनट पहले भी रोटी बनाकर रख देती थी तब भी वो खाने से इनकार करने लगता था। उसे एकदम तवे पर से उतरी हुई गर्म रोटियां ही अच्छी लगती थी। उसकी माँ भी तो पूरा ध्यान रखती थी कि बेटे को गर्म रोटियां ही खिलाए। लेकिन एक दिन उसकी माँ के सिर में दर्द था तो उन्होंने थोड़ी देर पहले ही रोटी बनाकर रखी थी। अनुज खाना खाने बैठा और थोड़ी कम गर्म रोटी देखते ही गुस्से में झुंझलाते हुए बोला, माँ आपको पता है ना कि मुझे तुरंत तवे पर से उतरी हुई रोटी ही पसंद आती है, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। माँ के समझाने पर उसने किसी तरह खाना खा तो लिया था, लेकिन वो माँ से थोड़ा नाराज हो गया था। लेकिन आज जब सुबह की रखी हुई ठंडी रोटियां वो दोपहर में खाता था तब उसे अपने नखरे याद आने लगते और उसका मन पश्चाताप से भर उठता। आज हालात ने उसे ऐसी ठंडी रोटी खाना भी सिखा दिया था, लेकिन इसके वजह से उसने अपनी माँ को कितना सताया। कभी कभी वह सोचने लगता कि ऐसे ही माँ भी तो ठंडी रोटी ही खाती थी, हम तो हमेशा गर्म रोटी खाते थे, कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। अब बाहर आने के बाद जब खुद से बनाना और खाना पड़ता है तब गर्म हो या ठंडी, कैसी भी रोटी हो, बस पेट भरने से ही मतलब रहता है। 6 महीने के बाद अनुज 10 दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर गया। उसकी माँ शकुंतला जी ने उसके लिए उसका मनपसंद खाना पहले से ही तैयार कर रखा था। गर्मा गर्म कचौड़ियां, छोले और खीर खाकर अनुज का मन तृप्त हो गया। इतने दिनों के बाद उसे माँ के हाथों का खाना नसीब हुआ था। खाने के बाद सफर की थकान के कारण वो गहरी नींद में सो गया। शाम को जब वो उठा तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया। जब घूम फिर कर वह घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। वो रसोई में चला गया, उसकी माँ रोटी बनाने ही जा रही थी।
अनुज को देखते ही बोली, बहुत अच्छे समय पर आया है बेटा, मैं थाली लगा देती हूँ, तू गर्मा गर्म रोटियां खा ले, अनुज नम स्वर में बोला। वहां तो अपने हाथों की ठंडी रोटियों से ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन माँ इतने दिनों में मैं यह समझ गया हूँ कि जो खुद खाना बनाता है उसे तो कभी गर्म रोटी मिलती ही नहीं है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ बेटा, आज तो गर्म रोटियां खा ले, अनुज इनकार करते हुए बोला। नहीं माँ, अब तो मैंने भी रोटी बनाना सीख लिया है, देखो ना वक्त ने मुझे भी सब कुछ सिखा ही दिया, कहा तो मैं रोटी खाने के समय इतने नखरे करता था और अब टिफिन में अपने हाथों से बनी हुई मोटी पतली रूखी सूखी और ठंडी रोटियां भी खानी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम आराम से बैठो और मैं तुम्हें गर्म रोटियां खिलाऊं, उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली। चल पगले, मुझे तो ठंडी रोटियां खाने की आदत है, तू खा लेना गर्मा गर्म रोटी, फिर वहां जाने के बाद तुझे मेरी गर्म रोटियों की याद सताएगी। अनुज जिद करते हुए उनके हाथ से बेलन लेकर बोला, नहीं माँ, आज तुम बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाता हूँ। उसकी माँ मना करती रह गई, लेकिन अनुज ने उनकी एक न सुनी और जबरदस्ती उन्हें गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाने लगा। शकुंतला जी का मन भर आया, कौर खाते हुए अवरुद्ध कंठ में निवाला अटकने लगा, उनकी आंखें गीली हो गई थी। आज बेटे के हाथों से बनी आड़ी टेढ़ी रोटियों को खाकर एक माँ का मन भी तृप्त हो गया था। बहुत दिनों के बाद वो इस तरह किसी और के हाथों की बनी हुई रोटी का आनंद ले रही थी। गृहिणियों के लिए गर्म रोटियां मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके खाने का समय होते होते तक रोटियां थोड़ी सी ठंडी तो जरूर हो जाती है, एकदम तवे पर की गर्म रोटियां तो शायद उन्हें मायके में ही नसीब होती होंगी, और कोई बहुत किस्मत वाली होती होंगी जिन्हें ससुराल में भी तवे पर की गर्म रोटी नसीब होती होगी। खाना खाते हुए मन ही मन वो बेटे को आशीष दे रही थी। अनुज को इस बात की खुशी थी कि ठंडी रोटियों के स्वाद के कारण आज वो अपनी माँ को गर्म रोटियां खिला रहा था। आखिर उसकी माँ ने उसे बचपन से गर्म रोटियां खिलाई थी, वो आज महसूस कर पा रहा था कि उसकी माँ भी उसे ऐसे ही गर्म रोटियां खिलाकर आनंदित हो जाती होंगी, जैसे कि आज वो अपनी माँ को रोटी खिलाकर आनंद से भर उठा था, क्योंकि कभी कभी खाने से ज्यादा सुकून खिलाने में मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।